सड़क पर अफरा तफरी और जाम की ये तस्वीरें जालौन की हैं। यहाँ विद्युत विभाग के संविदा कर्मी अपने साथी के शव को रखकर जाम लगाए हुए हैं। दरअसल पंकज नाम का संविदा कर्मी जब लाइन ठीक कर रहा था तभी उसे करंट लग गया और वो खंबे से नीचे गिर गया। इसके साथ ही लोग इसको इलाज के लिए झांसी और ग्वालियर लेकर गए लेकिन पंकज को बचाया नहीं जा सका। पंकज की मौत के बाद विद्युत विभाग का न कोई अधिकारी इनको सांत्वना देने पहुंचा और न ही कोई सहायता दी गई। इसी से नाराज होकर इन लोगों ने कालपी पावर हाउस के पास शव को रखकर जाम लगा दिया। जो साथी कर्मचारी था कल करंट लगने से उसकी डेथ हो गई है तो गागी था गागी मान लो सहायता राशि जो आती है 5 लाख की उसके लिए पता लगा अधिकारी कोई है नहीं। सुबह से टाला जा रहा था कि यही बन रही है अधिकारी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है इसलिए उनसे अपना कहा गया कि जो गागी राशि दी जाती है ठेकेदार साहब से 5 लाख रुपए की वो गागी राशि उसको दिया जाए और उसकी पत्नी को यहाँ पे विभाग में उसकी जगह पे भरण पोषण के लिए बच्चे छोटे छोटे हैं विभाग में उसको संभाली की नौकरी दे दी जाए तो उससे बच्चों का आगे भविष्य बना रहे। काम कर रहा था जे रोड पे खम्भे पे चढ़ा था करंट लग गया वहीं पे खत्म हो गिर गया ऊपर से 4 लोगों ने उतारा नीचे फिर हम लेके इमरजेंसी से मना कर दिया झांसी ले गए झांसी से ग्वालियर के लिए मना कर दिया ग्वालियर रास्ते में खत्म हो गया। क्या क्या मांग है? मांग ये कि इनका हमारा किसी का बीमा नहीं है हमें मुआवजा चाहिए पूरा और हम हमारी जो इनके बच्चे हैं इनके लिए इनकी भाभी जी को नौकरी दी जाए और उनके पैसे ऐसे मिले और जो कुछ ईपीएफ की रसीदें वगैरह सब कुछ चाहिए। संविदा कर्मचारियों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो ये लोग मौके पर पहुंच गए और इनकी मांगों को मानते हुए जाम खुलवा दिया। खंभे से चढ़कर गिरने में मृत्यु हो गई थी उसी को लेकर के ये लोग जाम लगाए हैं लेकिन इस चीज को बड़ी गंभीरता से विद्युत विभाग ने लिया है और तत्काल 5 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहयोग के लिए दिया है और उसके स्थान पर उसकी पत्नी अनुराधा को संविदा में ही नियुक्ति दे दी है। जितना संभव सहयोग है किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि अपना आदमी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो परंतु ये संयोग होता है दुर्भाग्य कहिए या दुर्घटना कहिए। अब वो आदमी हमारे बीच में नहीं रहा लेकिन जितना संभव सहयोग है आर्थिक शारीरिक सब किया जा रहा है सब करेंगे। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। आज शायद विद्युत विभाग के ये सभी संविदा कर्मी एकजुट होकर अपनी आवाज़ न बुलंद करते तो अपने साथी पंकज के छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ न कर पाते। इनकी आवाज इनके अधिकारियों तक पहुंची और सहायता के रूप में 5 लाख रुपया और पति की जगह पत्नी को संविदा कर्मी की नौकरी तो मिल गई। जालौन से अनुज कौशिक न्यूज 75 ब्यूरो।